इसमें कटा भी है, अजीब वाला पीस है, देख सकते हैं ऐसा पीस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देख सकते हैं अजीब है। देख सकते हो पानी उतरा, पहले बहुत बड़ा था, अभी चौथा हो गया, अभी मछली डूबना शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देख सकते हैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूँ रेडी तालीन मंगी, आप सभी को फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का लोकेशन है हमारे हिंजू ब्रिज और यहाँ पे हम लोग अपने फैमिली का साथ में यहाँ पे हम फिशिंग का प्रोग्राम रखा है, रोस्टिंग प्रोग्राम। तो मेरा बड़ा भाभी नीचे में है, वह हमें तैर रहा होगा, तो हम लोग लड़का पड़ती लोग यहाँ में आया है मंगिया पड़ रहे, और यहाँ मेरा चाचा लोग बैठा है, और आप ही हम यहाँ में सबक पढ़ू कर रहे हैं। सबक मीन्स आपको आपको पता देगा कि उसको हम यहाँ दो पानी भाग होता है, मतलब छोटा पानी को आप ही हमें सुखा देगा और वो वाला को हमें यहाँ से जान देगा। यहाँ का पानी काली होगा तो तब यहाँ में हम लोग मछली मिलना शुरू होगा। तो आज का प्रोग्राम ये होगा, हम लोग लोकल स्तर में हम ताजी वर्ट में सब सब आप देख सकते हैं, यहाँ में बड़ा चक्कर बताएँ। तो एनी वे तो तब तक के लिए ये मछली को पकने देता है, और यहाँ में बैम्बू से बनाया बोला मेरे चावल है। तो चलिए थोड़ा सा आपको हमारे कई कम्युनिटी का थोड़ा सा आपको फिशिंग करने का जो कल्चर है आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा। नमस्ते। जो अरुणाचल से है मैक्सिमम को इसका बारे में मालूम होगा, जो अरुणाचल से बाहर है तो वही चीज़ को उसको इतने आइडिया नहीं हो। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू देखिए, आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग मछली किस प्रकार से हम लोग पकड़ता है तो आप देख लीजिए। पता और लेना पड़ेगा होगा ना, ठीक है। तो फिर हम पटा करके आएगा, तब तक के लिए आप वीडियो को होल्ड कीजिए। तो गाइस देख सकते हैं पटा कलेक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है, अभी फाइनली पानी बंद होना ही है। आप देख सकते हो पानी उतरा, पहले बहुत बड़ा था, अभी चौथा हो गया, अभी मछली डूबना शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ में मेरा बड़ा भैया लोग हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये बनाना का पत्ता है, और भैया लोग अभी बंद कर रहा है, अभी फाइनल है। दो स्टेप बनाए हम, एक स्टेप दो स्टेप, और ये थर्ड स्टेप ऐसे चौथा से बना रहे हैं, ये ऐसे सिंपल निकले हैं। और मेन मेन पार्ट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बना ये होता है पानी को कंट्रोल करने के बाद, सेकेंड कंट्रोल ये वाला पार्ट करते हैं। और आप सभी को मैं फिर से मैं बता दूँ, जो अरुणाचल से बाहर है तो आपको ये आइडिया मालूम नहीं होता, तो ऐसे में हमारे अरुणाचल के टाइप जो ये चीज़ को अप्लाई करता है पानी से, ताकि मछली लेना आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ पे हम लोग जो जाल से जो मछली मारा हूँ ना, वो भैया लोग लेके आए कुछ एक दो पीस आपको मैं दिखाऊँ। क्या मैं बड़ा भैया लुटा रहे हो रही कैसी है क्या? एक्चुअली बिना नमक का हम लोग पकाया था, तो थोड़ा पहले आप देखा था वो टेन बिहार में था ना वो जो है, और यहाँ में है कलेक्शन में थोड़ा पहले एक पीस आपको दिखाया। ये देख सकते हैं कितना बड़ा है, बड़ा बड़ा ये जो जाल से मरा हुआ है। यहाँ से पानी होते वहाँ निकलेगा, यहाँ से होते वहाँ निकलेगा। अच्छा आप ऐसे वाला सबक पदम कितना बार कर चुका है? हम लोग पहले जो था बचपन से ही करके आए हैं, छोटा से करके आए हैं ना, दांत नहीं निकलते पहले करके आए, दांत नहीं निकलते सर, वैसे जूत हो गया हो, दांत नहीं निकल सकते कैसे ऐसे होगा, वो हम चल नहीं सकेगा। तो माँ का कोक से निकलते तो मैं कोई भी करके आए। ये स्टाइल को तरह बता सकते हैं हम लोग ताजिन में इसको क्या क्या कैसे टाइप पर? ये जो ना स्टाइल जो आगे हम लोग उसको पत्थर को आगे लाइन बनाता है, उसके बाद ये पता जो आगे बिछाता है जोर से बोलो,
ये पता कौन अच्छा से मिला के चप के उसको फिर अच्छा से मिला के लगाना पड़ता है। अच्छा। तब पानी कम हो जाता है, उसके बाद नीचे वाला फ्लोर को फिर बाद में अलग से करेगा, उसको मछली मिल जाएगा ना। जो पटा का जो कांच का जो सारने वाला से हम लोग बाद में उसको बंद करेगा। अच्छा। उसके बाद पानी पूरा सूख जाएगा। अच्छा, मछली लेना शुरू। बहुत बढ़िया काम यार, इमीडिएट कुछ मेरा बड़ा भैया है इधर। अभी आपको कुछ आइडिया बताया, जो हम लोगों का जो तालीम कम्युनिटी कुछ नियम है बता दिया आपको, कैसा है? आप सुन ही लिया होगा मैक्सिमम अभी यहाँ पे सब तो आप देख रहे हो यहाँ में, और कुछ बड़ा भैया लोग हमें जुड़ा हुआ है। तो गाइस फाइनली पानी सूख गया है, यहाँ पे अभी हम मछली ढूंढने का समय है। पूरा सूख गया करण, अभी ये देखो एक लाइन दो लाइन आपको मैंने बताया था कैसे होता है इसका प्रोसेस, आप इस तरह में देखा है। ये सेकंड लाइन, ये टॉप लाइन आप देख सकते हैं, ये है बॉल का पत्ता जो लास्ट ये होता है मेन बोला जो उसको पूरा पीस के ये रखते। सो गाइस पानी ऑलमोस्ट पूरा सूख गया है, तो अभी मछली ढूंढना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली हमारे जितना ब्रदर्स है तो अभी सब हम ये पानी में बाग बाग हो गया, ढूंढना शुरू कर दिए। तो मेरा यहाँ पे है ड्यूटी होंगे समझ लो, पानी अभी तक इतना नहीं सूखा है तो अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ और इससे कम हो जाएगा। ऊपर में बड़ा भैया लोग बैठा है तो यहाँ मैं घूमना शुरू कर रहा हूँ। मछली दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत स्पीड में घूम रहे हैं और इससे उत्तर चौथा होने से ठीक होगा मेरे हिसाब से। तो आई होप के अभी हो जाएगा लग रहा चौथा, तो थोड़ा सा और थोड़ा सा वेट करता है तब तक के लिए थोड़ा आप लोगों को मैं दिखाऊँगा और ऐसे थोड़ा सा चलता रहूँगा। यहाँ में मछली होने से दिखाई देगा शायद, ये लोग का पट्टर में घुसा के देखना है यहाँ। तो गल देख सकते हो वहाँ पे एक मछली है ना, दिखाई देता है ये जो देखते हैं। फाइनली एक फिश पकड़ दिया, देख सकते हैं लवली है ना, मेहनत का फल। इसको खाई कोना में रखता है मुड़ा के, यहाँ रख लिया, इसमें काटा भी है। अजीब वाला फिश है, देख सकते हैं ऐसा फिश फर्स्ट टाइम देख रहा, देख सकते हैं अजीब है। देखो तो जोर से पकड़ के रखा हूँ, ये जो भाग भी सकते हैं इसलिए उसको मरा के ये साइड में रख लेते हैं। उसके बाद देखो हिल रहे पूरा, इसको मरा के ये साइड रख लेगा, हिल रहे देखो। तो यहाँ में मर के मरा लेगा चिक, ये टिक मर गया अभी साइड। आपको दो के मैं दिखाऊँगा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा पीस दिखा, देख सकते हैं ये देखो अलग टाइप वाला पीस है यार। ऐसा मछली कोई होता है क्या, फर्स्ट टाइम देख रहे हो? और वहाँ पे भी और कुछ भागा है, अभी देखते हैं इसको यहाँ रखिएगा। ये अजीब वाला मछली नहीं है, देखो तो आपको कह देखिए हमने ये ना पटोन लिया, हम एक गिल्ली है ना, अब तक एक ही नहीं एक भी नहीं लिया, पूछ ले पहना अभी का मछली बहुत अजीब वाला हम जो पकड़ लिया।
उल्लू आ रहा है, उल्लू आ रहा है। यार सुन दुन दुन ऊपर जाएंगे, पानी अभी तक देंगे। देखो ना उल्लू पूरा दिखाई दे रहा है, बहुत अब बहुत ज़्यादा है यहाँ में, बहुत ज़्यादा हुए नहीं पकड़ सक रहे हैं। मछली जलती रहनी